ओके गाइस, चलो ज्वाइन करो जल्दी से बीसीके के लिए। कंटिन्यू करते कल से आगे। तो कल हमने लिया था मार्केट शेयर, राइट? अब उसके आगे की कहानी पढ़नी है आज अपने को। निकालो बुक, निकालो। चलो, कल हमने देखा था मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? मार्केटिंग में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी, राइट? इसके बाद आते हैं मार्केट टारगेटिंग। तो जो भी बंदे मार्केटिंग में होते हैं, ये कॉन्सेप्ट और ये टर्मिनोलॉजी को बार बार यूज करते हैं। टारगेट करना मतलब क्या रहे? मार्केट टारगेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्यूटिंग ईच मार्केट सेगमेंट एंड सिलेक्टिंग मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट टू एंटर विथ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन। तो चलो, हमने देखा था कल मार्केटिंग के टॉपिक में कि मार्केट सेगमेंट क्या होते हैं, राइट? और हमें क्या करना होता है, जब भी मार्केट में एंटर करना होता है तो कोई भी चीज लेके किसी भी मार्केट में घुसने में मतलब नहीं है। आपको पता है यवतमाल में अभी तक अपना डोमिनोज वाले आ गए, पिज्जा हट वाले आए क्या? नहीं। मैकडोनल्ड्स वालों ने अपना स्टोर खोला क्या? नहीं। डीमार्ट वालों ने स्टोर खोला, पर बिग बाजार वाले आए क्या? नहीं आए। रिलायंस डिजिटल वाले आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो? पर्टिकुलरली एक एक मार्केट को और एक एक मार्केट सेगमेंट को टारगेट किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा नागपुर में भी कई सालों तक मैकडी नहीं था, काफी समय के बाद। तब तक नागपुर काफी बड़ा बन चुका था, पर मैकडी को आने में टाइम लगा, बराबर है ना? तो जब भी हमें कोई नया प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना होता है या उसको लेके किसी मार्केट में एंटर करना होता है, तो हम एक पर्टिकुलर मार्केट को या मार्केट के सेगमेंट को ना टारगेट करते हैं। इसके लिए सिलेक्शन किया जाता है। तो मुझे याद है एक एफ बार करके डिस्को है, या आप इसको क्या बोल सकते हो, जहां पे सब कुछ स्टार एक्टर लोग आते हैं, डिस्क बोलते हैं ना अपन उसको, वो था। तो इसका लॉन्चिंग हुआ था मुंबई में। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से बरिस्ता है, इसका लॉन्चिंग हुआ था पुणे में। ये सब मैंने मेरे पढ़ाई के वक्त ऑब्जर्व किया था। तो ये लोग ना ऐसे ही नहीं आ गए, ये सब वर्ल्ड के फेमस ब्रांड्स हैं। तो इन लोगों ने अपने एक मार्केट को टारगेट किया और बाद में अपने प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट लाइन को लेके आए। अब यवतमाल में देखिए नए नए कार के शोरूम आने की शुरुआत हो चुकी है। कई समय तक अपने यहाँ पे टोयोटो का शोरूम नहीं था, फिर काफी लेट आया। उसके बाद मेरे ख्याल शोरूम नहीं था, एक छोटा सा आउटलेट उन्होंने यवतमाल में दिया है। तो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि यवतमाल के मार्केट को टारगेट करना है। तो जनरली जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो एक ऐसा मार्केट चुनते हैं या ऐसे मार्केट को टारगेट करते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट चल पड़े। तो इंडिया में अगर किसी फॉरेन कार मेकर को कार लॉन्च करनी है, तो डेफिनेटली वो दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे बड़े सिटीज में ही पहले लॉन्चिंग करेगा, क्योंकि वहां उनको प्रोबेबल कस्टमर मिलेगा। तो उनके प्रोडक्ट का और ब्रांड का एक इमेज बनेगा कि ये चीजें बिक रही है। अगर एक महंगी कार लेके कोई सीधा यवतमाल में आ जाता है अब्रॉड से, जर्मन की कोई कंपनी या यूएस की कोई कंपनी, तो बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, कोई काला कुत्ता उनकी तरफ फटकेगा नहीं, तो ब्रांड की रेपुटेशन खराब होती है। तो मार्केट टारगेट करना एक स्किल है, एक स्ट्रेटेजी है। चलिए अगला है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल आसान है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मार्केटिंग इज अ साइंस एंड आर्ट। मार्केटिंग एक साइंस है और एक आर्ट भी है। Creating and delivering the value to satisfy the need of a target market at a profit. तो चलो, मार्केट मतलब क्या करना है बेटा? हमें माल बेचना है, स्पेसिफिकली अपनी चीजों को बेचना है। कहाँ बेचना है? जिस मार्केट को हमने टारगेट किया। दुनिया में हर चीज हर जगह पे नहीं बिकती है, ये बात ध्यान में रखो।
स्पेसिफिक चीजें स्पेसिफिक टारगेटेड मार्केट पे मार्केटिंग किया जाता है, इसके लिए एक्सप्लोर किया जाता है, क्रिएट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है वैल्यू को। एक्सप्लोर करना, क्रिएट करना और वैल्यू को डिलीवर करना मतलब क्या, देखना कि कौन खरीद सकता है, कितना खरीद सकता है। फिर जो प्रोस्पेक्टस हमारे कस्टमर होते हैं जिनको माल बेच सकते हैं, उनको क्रिएट किया जाता है, अगर उनकी मानसिकता ना भी हो तो उसको तैयार किया जाता है कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदना है, और फिर उनको हमारा प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है ताकि वो फील करे कि उनको वर्थ फॉर वैल्यू मिला है, जो पैसा वो चुका रहे हैं उसके बदले में उन्हें सही चीज मिली है। मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स। तो मार्केटिंग वाले करते क्या है पर्टिकुलरली, तो वो आइडेंटिफाई करते क्या ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है पर उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो हम आप तक आएंगे और आपको ये बताएंगे कि आपको जिस चीज की जरूरत है सर वो चीज हमारे पास है। अगर कभी कभी तो मार्केटिंग वाले इतना स्किल और टेक्निक यूज करते हैं कि हमें ही नहीं पता होता कि हमें इस चीज की कोई जरूरत भी है, तो आके आपको कन्विंस करके चले जाते हैं कि आपका लाइफ अधूरा है इसके बिना। तो हमें लगने लगता है कि नहीं ये चीज मुझे चाहिए, और फिर हमारी डिजायर इच्छा होने लगती है कि हाँ आई नीड टू टेक दिस थिंग। इसीलिए कहा गया है मार्केटिंग एक साइंस ही नहीं है, एक आर्ट भी है, कला का काम है। हर कोई कोई चीज बेच नहीं सकता। मैंने आपको कल भी बोला था, अगर आप मुझे बोलो कि सर किसी को पॉलिसी बेच के आओ तो आई मे नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट। तो एक अलग स्पेसिफिक स्किल है भाई, करते आना चाहिए। इट डिफाइंस मेजर्स एंड क्वांटिफाइज द साइज ऑफ अ आइडेंटिफाइड मार्केट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल। तो अगर मैं एक कंपनी चलाता हूं जहां पे मैं प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को देना चाहता हूं, और मैंने अगर आपको अपॉइंट किया कि आप मेरे लिए इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे, तो मैं सबसे पहले कहां बेचना है माल इसको डिफाइन करूंगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे लिए 11 12th की एडमिशन लेके आओ, या चलो 11 12th सॉरी 11 स्टैंडर्ड की एडमिशन लेके आओ, तो आप मुझे बोलोगे सर कहां के बच्चे चाहिए। ऑनलाइन है तो पूरे महाराष्ट्र से चलते मेरे को, बराबर है। पर अगर क्लासरूम में ही पढ़ाना है तो यवतमाल हो, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट हो, इसके आजू बाजू के एरिया मेरा डिफाइंड टारगेट है, एक डिफाइंड एरिया है, इस एरिया से आपको लाने। गिनेंगे फिर कि यहाँ पे 10th में कितने बच्चे थे, पास्ट ट्रेंड क्या रहा, उसमें से कितने बच्चे कॉमर्स लेते, साइंस लेते, आर्ट लेते, तो इन सब की गिनती मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए डाटा मेरे पास आएगा तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मेरे लिए मार्केटिंग करनी है तो कहाँ मार्केटिंग करनी है ये एरिया मैं डिफाइन करूंगा, वो मार्केट डिफाइन करूंगा। जो भी गिनती इसके लिए जरूरी है, कौन है, कैसा है, किस एज ग्रुप के है, जेंडर क्या है, मेल के है, फीमेल है, इन सबको क्वांटिफाई करूंगा, क्वांटिटी में आपको बताऊंगा। द साइज ऑफ आइडेंटिफाइड मार्केट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल। हाँ, अब आप जब मार्केटिंग करते हो मेरे लिए तो सर्विस हो या गुड्स हो, एक ही चीज के लिए सारी एक्सरसाइज की जाती है कि हम इसमें से कितना मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मैं मल्टी मार्केट में मेरा ऑपरेशन कर रहा हूं तो मैं अपनी मार्केटिंग का ज्यादा फोकस हर जगह पे इक्वली नहीं रखूंगा। जहां पे मुझे प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा दिखता है उस मार्केट में या उस मार्केट सेगमेंट में, मैं मार्केटिंग पे फोकस ज्यादा करूंगा। वहां वो चीज चल पड़ी ना तो बाकी मार्केट ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते हैं। हम देखते हैं ना कि मुंबई के लोग ज्यादातर कौन सी कार यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका रेपुटेशन बन जाता है, फिर दूसरे सिटी के लोग भी प्रीफर करते हैं। बॉम्बे वालों को ये कार पसंद है तो फिर बाकी जगहों पे भी लग्जरियस कार खरीदने वाले उस कार को प्रेफरेंस देते हैं। तो जहां प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां मैं मेरे मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। इट पिन पॉइंट्स व्हिच सेगमेंट द कंपनी इज कैपेबल ऑफ सर्विंग बेस्ट एंड इट डिजाइन्स एंड प्रमोट द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर आपके पास ढेर सारे प्रोडक्ट है, ढेर सारी सर्विसेज है, तो हम पिन पॉइंट करते हैं, टारगेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सेगमेंट में कौन सी सर्विस बेची जा सकती है, फिर उसके लिए प्लानिंग की जाती है। इस प्लानिंग को इन्होंने नाम दिया डिजाइन करना और प्रमोट करना। अब मार्केटिंग के लिए आपको लीफलेट लगते, लिटरेचर लगते, डॉक्यूमेंट्स लगते, एनिमेशंस लगते, एड्स लगते, एड स्पेस लगती है, इन सबको फिर डिजाइन किया जाता है और प्रमोट किया जाता है ताकि एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज एप्रोप्रिएट मार्केट में बेचा जा सके। अब मार्केटिंग मिक्स नाम की एक कॉन्सेप्ट आती है। आप अगर सीए कर रहे हो ना तो आपको प्रोडक्ट मिक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग में इंटरमीडिएट में पढ़ने मिलेगा कि अगर हम ABCDEFG चार पांच छह प्रोडक्ट बनाते हैं और कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि ए की डिमांड बहुत ज्यादा है और डी की डिमांड कम है, तो क्या डी का प्रोडक्शन बंद करके ए का प्रोडक्शन करना चाहिए? तो हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सा ज्यादा बनाना चाहिए, कौन सा कम बनाना चाहिए, ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके न्यूमेरिक और केस स्टडीज आपको सीए इंटरमीडिएट में मिलेगी। अब बनाने की बात कॉस्टिंग में पड़ोगे आप,
ओके हाय मोहित, मोहित है एक नए विजिटर आए हैं, वेलकम टू द लेक्चर। अब मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या? अगर आपके पास बेचने के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें से किन प्रोडक्ट को ज्यादा तवज्जो दी जाए? अब आप देखो ना, नेस्ले खाने पीने की कितनी चीजें बनाती है, ढेर सारी, पर आप एड्स देखो उनकी, कौन सी आती है? मैगी की आती है, नेस्ट कैफे की आती है, तो कुछ गिनी चुनी चीजें ये जिसकी वो एड्स करते हैं। वैसे तो नेस्ले के ढेर सारे प्रोडक्ट है, पर हर प्रोडक्ट की एड नहीं आती। टाइटन के ढेर सारी वॉचेस के मॉडल होंगे, पर वो कुछ ही मॉडल को प्रमोट करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स में कई सारे चीजों का सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है देखो, प्रोडक्ट में भी और बाकी चीजों का भी। इट रेफर्स टू फर्म्स मार्केटिंग एलिमेंट। इट इज कॉमन टू डिस्क्राइब दिस एलिमेंट इन 4 P's। इसको अंडरलाइन करो, याद करो, मार्क करो। मार्केटिंग मिक्स में 4 P आते हैं, कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। फॉर सर्विस मार्केटिंग यूजली 3 additional P's आर ऑल्सो रेफर्ड, विच इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल इविडेंस। तो जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस, प्राइस मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब ढेर सारे प्रोडक्ट में से किन प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किन प्रोडक्ट पे कम फोकस करना है। प्राइस मतलब कौन से अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस में रेंज क्या होनी चाहिए, वेराइटी क्या होनी चाहिए। प्लेसेस अलग अलग जगहों में से किन जगहों पे ज्यादा ध्यान देना है, किन जगहों पे कम ध्यान देना है। प्रमोशन, कहाँ ज्यादा प्रमोशन करना है, कहाँ कम प्रमोशन करना है। तो ज्यादातर प्रमोशनल एक्टिविटी आप मेट्रो सिटीज में देखते हो, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलोर में। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार एक्टर इवेंट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोशन, प्रमोट करते हैं। यवतमाल में आप ऐसा प्रमोशनल एक्टिविटी बहुत कम देखोगे, हम उनको ही फॉलो करते हैं। वहां जो प्रमोट होते हुए हमें दिखता है, हम उसको इंडिया में फॉलो, हमारे हमारे गांव में यहाँ पे फॉलो करते हैं। सर्विस अगर बेच रहे हैं, तो इन चारों के साथ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के साथ, आपको पीपल पे ध्यान देना है, क्योंकि लोग इंपॉर्टेंट है, हर इंसान हर सर्विस कंज्यूम नहीं करता। प्रोसेस पे ध्यान देना है और फिजिकल इविडेंस पे आपको ध्यान देना है कि किन लोगों को सर्विस जगह पे जाके प्रोवाइड की जा सकती है। मार्केटिंग प्लान एक कॉन्सेप्ट, ये सब इजी इजी कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत ज्यादा याद या मगअप करने की जरूरत नहीं है। टेक इट इज एज जनरल नॉलेज, हम मार्केटिंग के एक्सपर्ट नहीं बनने जा रहे, ये बात भी ध्यान में रखो। बस हमें पता होना चाहिए, नॉलेज पर्पस के लिए हमको ये सब बताया गया। मार्केटिंग का प्लान मतलब क्या? ए डिटेल स्टेटमेंट यूजुअली प्रिपेयर्ड एनुअली। तो हम पूरे साल भर में कैसे, क्या, किन चीजों की, किस बजट में, किस तरह से मार्केटिंग करेंगे, इसका एक डिटेल स्टेटमेंट बनाना। ऑफ हाउस कंपटिंग कंपनीज मार्केटिंग मिक्स विल बी यूज्ड टू अचीव इट्स मार्केट ऑब्जेक्टिव। अ प्लान इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉलोइंग ए मार्केटिंग ऑडिट। तो चलो हम लोग फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, जो लोग मार्केटिंग के एक्सपर्ट होते हैं वो मार्केटिंग का ऑडिट करते हैं, मतलब बहुत सारी डिटेल इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और मार्केटिंग के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। इसमें सबका ध्यान रखा जाता है, प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, कौन सा प्रमोट करना है, प्राइस क्या, किस प्राइस पे किसको प्रमोट करना है, प्लेस किस जगह पे मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, किसके हाथ से करना है, किसको स्टार, किस स्टार को या किस सेलिब्रिटी को हमारा ब्रांड एम्बेसिडर बनाना है, एड्स कितनी बनानी है, कितनी वेराइटी की एड है, एड कैसे होनी चाहिए। तो ये जो थम्सअप है, कोको कोला है, पेप्सी है, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, ये सब लोग दिन भर एड करते हैं, तो ये सब मार्केटिंग प्लान का एक हिस्सा होता है। मास मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन जहां पे ज्यादातर लोगों तक पहुंचना हमारा टारगेट होता है, इसको हम बोलेंगे मास मार्केटिंग। व्हेन मेनी कंज्यूमर रिसीव द सेम मैसेज फ्रॉम द बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मास मीडिया सच एज टेलीविजन, टेलीविजन ब्रॉड मार्केट मास मार्केटिंग है, एक साथ लाखों लोग देखते हैं, रेडियो हजारों लाखों लोग एट अ टाइम सुनते हैं, न्यूज़पेपर रिगार्डलेस ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, चाहे आपको इंटरेस्ट हो उसमें चाहे ना हो। अब आपको क्या लेना देना, आप टीवी देख रहे हो, एक ऐड आ गई चॉकलेट की, आप चॉकलेट नहीं भी खाते होंगे तो आपका इंटरेस्ट है नहीं है, वो ऐड आप तक पहुंचती है, इसको बोला जाता है मास मार्केटिंग। अब मास मार्केटिंग खर्चीला होता है, इसमें ज्यादातर उन लोगों तक आप मार्केटिंग कर देते हो जिनको आपके प्रोडक्ट की ना तो जरूरत है ना तो वो कभी खरीदेंगे। फिर इसलिए नया कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न में टारगेटेड मार्केटिंग, उसी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग करो जिसको उस चीज में इंटरेस्ट है। तो ये इंटरनेट इसका सबसे अच्छा जरिया है, इसलिए जब आप YouTube यूज करते हो, Facebook यूज करते हो, कोई ऐप यूज करते हो, तो
हर लोगों को अलग अलग ऐड दिखती है। अगर आपने किताबें सर्च की है गूगल पे तो आपको हर ऐप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे किताबों की ऐड दिखेगी। कॉलेज सर्च कर रहे हो तो कॉलेज की ऐड दिखेगी। बाहर घूमने जाना चाहते हो तो आपको एयरलाइन की, होटल की ऐड दिखेगी। दैट इज अ टारगेट मार्केटिंग। जिसको जो चाहिए उसको वही चीज दिखाओ, सबको सब चीजें मत दिखाओ। मर्जर एक कॉन्सेप्ट है। मर्ज करना मतलब दो चीजों को एक करना। मर्जर इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोसेस व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपांड देयर बिजनेस ऑपरेशन। जैसे अभी अभी एग्जांपल, वोडाफोन एंड आइडिया, इन दोनों का क्या हुआ? मर्जर हुआ, दोनों कंपनी एक हो गई ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। मर्जर की कई सारी वजह हो सकती है। आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मर्जर के बाद है मिशन, नीच मार्केटिंग, बड़े ही नीच किस्म के इंसान हो ऐसा बोलते ना अपन। चलो और एक छोटे छोटे आसान आसान इजी इजी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। इसका टेंशन नहीं लेना है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं आपको, सिर्फ आपके माहिती के लिए और आपके नॉलेज के लिए ये सब चीजें दी गई है। नॉट गोइंग टू राइट अ थॉरो आंसर ऑन द मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी। मिशन क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मिशन होता है। आप dineshwadera.com पे जाओ, मैंने मेरा मिशन लिख के रखा है क्या है। द यूनिक पर्पज ऑफ अ फर्म और बिजनेस दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम द फर्म्स ऑफ इट्स टाइप। बाकी मेरे जैसे लोगों में मैं कैसे अलग हूं, इसका एक स्टेटमेंट मतलब मेरा मिशन। आइडेंटिफाइज द स्कोप ऑफ ऑपरेशन, मैं क्या करता हूं इसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा, दुनिया को, लोगों को बताऊंगा। इंक्लूडिंग मार्केट, मैं कहां काम करता हूं। कस्टमर, किन्हें सर्विस देता हूं या किन्हें प्रोडक्ट बेचता हूं। प्रोडक्ट क्या बेचता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बेचता हूं। टेक्नोलॉजी क्या यूज कर सकता हूं, एक्सेट्रा, इन अ मैनर दैट रिफ्लेक्ट वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म स्ट्रेटेजी। तो मेरा मिशन दुनिया को बताएगा कि मेरी वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है, तत्व क्या है जिसके आधार पर मैं काम करता हूं, और मेरी प्रायोरिटीज क्या है। तो इसको हम बोलते हैं मिशन। मिशन के लिए आप किधर भी चले जाओ, आपको अलग अलग फर्म के क्या मिलेंगे, मिशन स्टेटमेंट। गूगल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मिशन स्टेटमेंट किसके किसके हम ढूंढ सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर हम बोल सकते हैं पॉपुलर मिशन स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मिशन स्टेटमेंट आपको देखने मिलेंगे। देखो अपन देखते हैं, एटीन कैप्टिवेटिंग मिशन स्टेटमेंट एग्जांपल यू नीड टू रीड। पढ़ो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पढ़ो। उबेर का मिशन स्टेटमेंट क्या है? वी इग्नाइट अपॉर्चुनिटी बाय सेटिंग द वर्ल्ड इन मोशन। तो अब उनके बिजनेस को दर्शाता है उबेर का मिशन स्टेटमेंट। हम चालना देते हैं, प्रेरणा देते हैं अपॉर्चुनिटी को बाय सेटिंग द वर्ल्ड इन मोशन। दुनिया को रुकने का समय नहीं है तो आप चलते रहिए। उबेर वाले तो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गूगल का मिशन है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इट यूनिवर्सली एसेसिबल एंड यूजफुल। गूगल का मिशन है जमा करना, इकट्ठा करना दुनिया भर की इंफॉर्मेशन और मेक इट यूनिवर्सली एसेसिबल। दुनिया भर के लोगों को इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे और यूजफुल रहे, ये इनका मिशन है, इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। किक स्टार्टर टू हेल्प ब्रिंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट टू लाइफ। टेस्ला कंपनी है टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जिसको हम सस्टेन कर सके, जो कभी खत्म ना हो, ऐसी एनर्जी दुनिया को प्रोवाइड करना। बिजली आमतौर पर ये लोग बनाते हैं। लाइफ इज गुड, ये LG का ये है, टू स्प्रेड द पावर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमिज्म। वावा, स्क्वेयर प्लेस, अपन इंडियन कंपनी का मिशन स्टेटमेंट सर्च करते हैं। लेट्स सी, कुछ नहीं होगा। पॉपुलर मिशन स्टेटमेंट ऑफ इंडियन कंपनी।
तो हमें इंडियन कंपनीज पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा। ये और भी है, 1500 प्लस विजन और मिशन स्टेटमेंट है, और भी कुछ आया है, इंडिया सुपर 50 कंपनीज, ये सब गूगल करते चलो, समय रहता ना तो ऐसे समय ऐसे चीजों में ना अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज करने का, इससे इंसान का क्या है, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है। खामखा अननेसेसरीली इंटरनेट पे सर्फिंग करने से ना समय बर्बाद होता है, और थोड़े समय बाद खुद को ही गिल्ट फील होता है कि मैंने समय बर्बाद कर दिया और कुछ नहीं मिला मुझे। तो ट्विटर ट्विटर है, मस्त चलता है आजकल, मेरे तो 10,000 के करीब फॉलोअर हो चुके हैं ट्विटर पे, आपका अकाउंट होगा तो फॉलो करिए मुझे। ट्विटर का मिशन क्या है? टू गिव एवरीवन पावर टू क्रिएट एंड शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली विदाउट बैरियर्स। क्या बात है, कितना बढ़िया मिशन है, हर किसी को पावर देना ताकि वो क्रिएट कर सके नई आइडिया और शेयर कर सके आपके आइडिया इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली विदाउट बैरियर, बिना रोक टोक के। आप आपके दिमाग में क्या है दुनिया भर को बता सकते हो। क्लार्स, एमजीएम, कोको कोला हमारे पहचान की कंपनी, इनका मिशन क्या है? टू रिफ्रेश द वर्ल्ड, टू इंस्पायर मोमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस, टू क्रिएट वैल्यू एंड मेक डिफरेंस। ठीक है, अब अपनी सोच है। और इधर एक डॉक्यूमेंट, इंडिया सुपर 50 कंपनी एंड देयर मिशन स्टेटमेंट, देखते हैं अभी क्या क्या दिया है इन्होंने, दिया नहीं फालतू का पेच। खैर चलिए, तो मिशन हमारा क्या है, इससे हम दुनिया को बताते हैं कि हम क्यों है और दूसरों से अलग कैसे हैं। तो बस एक मार्केटिंग वाले बनाते हैं मिशन ताकि दुनिया भर में अपने एक इंप्रेशन बनाया जा सके। हाँ ये एक टर्म आई है, नीच मार्केटिंग, इसको भी पढ़ सकते हैं अपन, देखो क्या लिखा है इसके अंदर, पढ़ते आ जाओ। यहां लिखा है नीच मार्केटिंग रेफर्स टू एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंपेरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट बाय बिजनेस दैट डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर एफर्ट्स। नीच सेगमेंट एग्जिस्ट नियरली ऑल मार्केट, फॉर एग्जाम्पल आटा नूडल्स फॉर हेल्थ कॉन्शियसनेस। अब क्या दिया है देखो इसका मतलब, नीच मार्केटिंग रेफर्स टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट करना मतलब क्या रे, देखना कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं इसमें, ऑफ कंपेरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट, छोटे मार्केट सेगमेंट, ज्यादा कस्टमर नहीं होते इनके, ज्यादा कंज्यूमर्स नहीं होते, बाय बिजनेस दैट डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट्स। नीच सेगमेंट एग्जिस्ट नियरली इन ऑल मार्केट, छोटे छोटे मार्केट होते हैं, जैसे आटा नूडल्स लोग मैगी के नूडल्स, और वो कौन सा चाइनीज कंपनी आती है जो रणबीर कपूर उसके ऐड करता है, रणवीर सिंह उसकी ऐड करता है, चिंग्स चैंग्स कुछ तो भी नाम है उसका, राइट? तो वो लोग सब अलग नूडल्स यूज करते हैं, मैदे वैदे से बने हुए, आटा नूडल्स कुछ कम ही लोग यूज करते हैं, तो छोटा कंपेरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट है इसका, ज्यादा लोग यूज नहीं करते। उसके बाद वो ऑयल आता है सफोला का ऑयल, हेल्थ बने रहे ऐसे टाइप के ऑयल का एक ऐड आता है, बहुत ज्यादा लोग उसको यूज नहीं करते, हेल्थ कॉन्शियस नहीं, अपन सस्ता और ज्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला कोई भी ऑयल ले आते हैं। उसके बाद शुगर फ्री है, अब चाय तो सभी लोग पीते हैं हिंदुस्तान में, तो जितने लोग चाय पीते हैं दुनिया भर के लोग नहीं पीते होंगे उतना, पर इधर भी हम शुगर फ्री काफी कम लोग खरीदते हैं, पर फिर भी उसकी मार्केटिंग होती है। तो इस तरह के स्मॉल मार्केट सेगमेंट की मार्केटिंग को हम नीच या छोटा मार्केटिंग बोलते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है रे, सबके पास होती है, सबके दरवाजे पे आती है, आपके दरवाजे पे खड़ी है, फाउंडेशन पास करो, इंटर पास करो, सीए बन जाओ। अपॉर्चुनिटीज आर एनी फीचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच क्रिएट कंडीशन दैट बिजनेस कैन एक्सप्लॉइट टू इट्स एडवांटेज। ये सुनो ना, अपने कंट्रोल में जो नहीं है, जो बाहर से आती है चीजें, मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इसमें से कुछ ऐसी कंडीशन को क्रिएट करो, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करो ताकि आप उसका क्या ले सको,
एडवांटेज ले सको। अब अगर मैं बोलूं कि कोरोना एक थ्रेट था, संकट था, तो मैंने उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। लोग परेशान थे ट्यूशन लेने वाले कि कोरोना आ गया, बच्चे नहीं आएंगे, हम पढ़ाएंगे कैसे। मैंने सोचा अगर मैं 100 बच्चे पढ़ा सकता हूँ तो ऑनलाइन जाके 600 बच्चे पढ़ा सकता हूँ। तो दिस इज हाउ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब कोरोना मेरे हाथ में था क्या? लॉकडाउन मेरे हाथ में था क्या? नहीं। इसमें एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की मैंने ऑनलाइन मार्केट ट्यूशंस लेके कि उसका मुझे एडवांटेज मिल रहा है। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्लॉइट या एसेस या टेक द एडवांटेज ऑफ अ एक्सटर्नल सिचुएशंस व्हिच इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। तो ये डिफाइन किया गया। इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लॉइटिंग द अपॉर्चुनिटी देन इट विल बी बेटर टू प्लेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अपॉर्चुनिटी सबको आती है, जिंदगी सबको मौके देती है, बस आप उस मौके का फायदा कैसे उठा सकते हो, उसका एडवांटेज कैसा ले सकते हो, आपको तय करना है। और अगर फायदा ले पाओ तो अपने मकसद को पूरा करने में आप ज्यादा आसानी से उसको पूरा कर सकते हो या उसमें सफल हो जाओगे, और नहीं तो अपॉर्चुनिटी आती है, आपका डोर नॉक करती है, चली जाती है, किसी का इंतजार थोड़ी ना करती है। पर्सनल सेलिंग मतलब क्या? 1-to-1 सेलिंग। मास मार्केटिंग मत करो, मास मार्केटिंग के अपोजिट होता है पर्सनल सेलिंग। ओरल कम्युनिकेशन विथ पोटेंशियल बायर, अरे भैया जो व्यक्ति खरीद सकता है उसी के साथ कम्युनिकेट करो, उसको मिल के सिर्फ उसी से बात करो। ऑफ अ प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल, हमारा मकसद है आपको माल बेचना, तो हम मास कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, मास मार्केटिंग नहीं कर रहे। जो पोटेंशियल बायर है उसको माल बेचने के इरादे से उसके साथ बातें करना मतलब पर्सनल सेलिंग। द पर्सनल सेलिंग में फोकस इनिशियली ऑन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल बायर। तो डायरेक्ट जाके कोई किसी को ये नहीं बोलता कि सर मेरे पास कार है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास सर्विस है, मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, खरीद लो। पहले उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप की जाती है, कई सारी टेक्निक्स है रिलेशनशिप डेवलप करने की, बट विल ऑलवेज अल्टीमेटली एंड विथ एन अटेम्प्ट टू क्लोज द सेल। बस उनके साथ बातें करो, कुछ भी बातें करो, उनको बहलाओ फुसलाओ, पर्सनल अटैचमेंट दिखाओ, कैसे है सर आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले कैसे हैं, बाकी सब ठीक चल रहा है, अपना केयर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो लॉकडाउन में, उम्मीद करते हैं आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उससे पहले नजदीकी बढ़ाओ और फिर अल्टीमेट एम क्या होता है, बहला फुसला कि उसको अपना माल बेच दो। दिस इज द टेक्निक वी यूज इन द पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग वाले डायरेक्ट आके बैठते नहीं, अपना सूटकेस खोल के आपको दिखा नहीं देते कि मेरे पास ये है, खरीदते क्या, सामने वाला बोलेगा टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा समय मत खराब करो, जाओ। तो मस्त एकदम स्किलफुल जॉब है पर्सनल सेलिंग करना, इतना आसान नहीं होता है, बहुत कला लगती है इसमें, जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, काफी चिपकने वाला फंडा होता है ये। चिवट इंसान बोलते हैं ना कि बैठ गया किसी के साथ तो सर खा के छोड़ेगा उसके और पैसे लेके छोड़ेगा उसको। तो दिस इज हाउ वी डू पोटेंशियल बायर। पहले तो उसको सिलेक्ट करो जो खरीद सकता है, फिर उसके पीछे पड़ जाओ, फिर उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करो, और फिर अल्टीमेटली एक ही मकसद है, मेरा माल तुझे बेचूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। प्री एम्प्टिव प्राइसिंग, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मार्केटिंग वाले। ये लोग बोलते हैं कि प्री एम्प्टिव प्राइसिंग इज अ स्ट्रेटेजी इनवॉल्व सेटिंग अ लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डिटर पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट टू सप्लाईज मार्केट। 4G देखो नया आया था, दुनिया 3G यूज कर रही थी, फिर जियो वाला क्या करके आया, 4G भी लाया और फोकट भी दिया। एग्जाम्पल, जियो लॉन्च्ड 4G फॉर फ्री। अब इससे हुआ क्या कि इतना पैसा लगा, उसके बाद फोकट बांटो 5-6 महीने लोगों को। नए लोग तो ऐसे ही डिस्करेज हो जाते, तो नए लोग आते ही नहीं, अब कोई है ही नहीं। तो उसने जियो ने वही तो किया, आइडिया को बर्बाद कर दिया, वोडाफोन को बर्बाद कर दिया, एयरटेल को बर्बाद कर दिया, डिस्करेज कर दिया उनको। तो जो थे उनको खत्म किया, तो नया तो आने का सोच भी नहीं सकता उसमें। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। ये टर्म सही है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं और गूगल करने का, ये सब चीजें मैं भी गूगल से ही सीखता हूं। प्रीएम्प्टिव नहीं है, डबल ई है वहां पे, ऐसा लिखते हो, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। खैर चलो,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, एक मार्केट में एक ही चीज के एक दाम तो दूसरे मार्केट में दूसरे दाम। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फॉर एन आइडेंटिकल गुड्स और सर्विस। आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम गुड्स और सर्विस फॉर अ रीजन नॉट एसोसिएट विद द कॉस्ट। कॉस्ट सेम ही है रे। एग्जाम्पल, भारत पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस एलपीजी सिलेंडर सिलेंडर का स्पेलिंग आई चाहिए सिलेंडर फॉर रुपीज 500, मान के चलो 500 में बनता है, बट यूज टू सेल एट रुपीज 600 इन वन मार्केट एंड एट रुपीज 700 इन अनदर। कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं, बनते वक्त खर्चा सेम ही लगता पर बेचते अलग अलग दाम में। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉटल इज प्राइस डिफरेंटली इन शॉपिंग मॉल एंड सिनेमा हॉल। तो वो आप जाते हो ना वहां पे पीवीआर में वगैरह मूवी देखने, आईमैक्स पीवीआर में जाओ तो वहां पे वाटर बॉटल बड़ी महंगी बेचते हैं, 80-80, 90-90 रुपये एमआरपी होती है उसमें। तो दिस इज वॉट वी कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब आपको नहीं समझ में आएगा तो किसको समझ में आएगा कि भाई प्राइस में कितना मूवमेंट होगा तो डिमांड में कितना मूवमेंट होगा। रेट ऑफ चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉलोइंग द चेंज इन प्राइस। सो हेंस वी फर्स्ट चेंज द प्राइस एंड हेंस वी डिटरमाइन, ऐसा लिखो ना, हाउ डिमांड विल चेंज इफ वी चेंज प्राइस। अगर हमने प्राइस चेंज की तो डिमांड कैसी चेंज होगी ये डिटरमाइन करना, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करना। इको में पढ़ेंगे, ज्यादा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्राइस सेंसिटिविटी काइंड ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी इज नथिंग बट अ सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी इज द इफेक्ट अ चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन कस्टमर्स। कस्टमर पे क्या असर पड़ेगा अगर हम प्राइस चेंज करते हैं, कस्टमर पे बोलो या डिमांड पे बोलो, इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी। तो आपको इन सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट यू हैव ए टॉपिक ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा आपको और अलग अलग प्राइस सेंसिटिविटी और टाइम सेंसिटिविटी और प्रोडक्शन सेंसिटिविटी, आपको कॉस्ट सेंसिटिविटी, आपको ढेर सारी चीजों को सेंसिटिविटी को स्टडी करना है। मतलब एक फैक्टर में चेंज आएगा तो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, सेल और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा ये सब देखना है। तो है आपको सेंसिटिविटी, मतलब एक चीज चेंज होगी तो दूसरे चीज पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो हम बोलते हैं ना वो बंदा बड़ा ही सेंसिटिव है, मतलब अगर कुछ भी कम ज्यादा कर दो तो उसको फर्क पड़ता। तो प्राइस कम ज्यादा कर दो तो कस्टमर को क्या फर्क पड़ता है, इसको हम बोलेंगे प्राइस सेंसिटिविटी। कभी कभी लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, यार महंगा कर दिया मेरे को नहीं खरीदना ये चीज, तो इसका मतलब वो कंसेप्ट कस्टमर बहुत सेंसिटिव है उसके, महंगा करोगे तो खरीदना छोड़ देंगे। जैसे पार्ले जी वाले शायद बोलते होंगे कि 5 रुपए का पार्ले जी 6 का कर दो ना तो लोग ब्रिटानिया 20-20 खाने लग जाएंगे। प्राइस स्कीमिंग, इसको याद करो, इंपॉर्टेंट है। प्राइस स्कीमिंग इन्वॉल्व्स द चेंजिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट टाइम वेयर अ न्यू या इनोवेटिव और मच इंप्रूव्ड प्रोडक्ट इज लॉन्च इनटू द मार्केट, इनटू अ मार्केट। प्राइस स्कीमिंग मतलब क्या, चार्जिंग अ हाई प्राइस, एकदम हाई प्राइस चार्ज करना पर कम समय के लिए ताकि लोगों को क्या लगे। जनरली लोगों की मेंटेलिटी क्या रही थी, महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो खराब है। तो नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करते जानबूझ के महंगा बेचो,
ताकि लोगों को लगे ओहो हो ये चीज आई है महंगी है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है। पर हमेशा के लिए महंगा मत रखो, स्टार्टिंग में महंगा रखो तो लोगों को लगता है ये महंगा है तो क्वालिटी अच्छी है, और वैसे भी 100 की चीज जानबूझ के 300 की रखो ताकि फिर लोगों को ये सोच के लोग वो खरीदे कि महंगा है तो अच्छा होगा, और फिर उस पर डिस्काउंट दो 50% ऑफ, तो लोगों को लगता आइला इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज 300 रुपये की 150 में मिल रही है, तो लोग ना और कूद पड़ते उस पर, है 100 की पर फिर आप 150 में बेच सकते हो। तो ये जो टेक्निक होती है इसको बोला जाता है प्राइस स्कीमिंग, जानबूझ के प्राइस को बढ़ा फिर डिस्काउंट देना ताकि लोगों को लगे महंगी चीज सस्ती मिल रही है तो लोग खरीदते हैं। ये सब लोग सेल लगाने से पहले करते हैं, तो जब आपको बड़ी बड़ी एड्स दिखती है ना 50% ऑफ 50% ऑफ, उसके एक महीने पहले ना जानबूझ के 200 की चीज को ना 500 रुपये कर देते और फिर 50% ऑफ करते तो वही 150 की चीज ना 250 में बिकती, पर लोग ज्यादा खरीदते क्यों, क्योंकि उनको लगता कि 500 की चीज 250 में मिल रही, तो बेवकूफ बनाने के तरीके है एक प्रकार से। प्राइस क्या रहता है रे, प्राइस कोई समझाने की चीज है क्या, सबको पता है प्राइस। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट मे बी सीन एज द फाइनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू, छोड़ो इसको, उसकी वैल्यू क्या है मतलब उसकी प्राइस कुछ भी नहीं, पब्लिसिटी। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, फटाफट पढ़ते चलो खत्म करो। प्रमोशनल एक्टिविटी डिजाइन टू प्रमोट ए बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट बाय ऑब्टेनिंग मीडिया कवरेज नॉट पेड फॉर बाय द बिजनेस। नॉट पेड क्यों यूज हुआ है पता नहीं, पर आपको अगर कवरेज चाहिए मीडिया में ज्यादा से ज्यादा तो उसको आप बोलोगे पब्लिसिटी। सेल्स प्रमोशन क्या रहता है, सेल्स प्रमोशन रेफर टू एनी एक्टिविटी डिजाइन टू बूस्ट द सेल, सेल को बढ़ाने के लिए किया गया हर वो एक्टिविटी सेल प्रमोशन होता है ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। इट में इंक्लूड्स एन एडवर्टाइज, सेल प्रमोशन के लिए आप एडवर्टाइज कर सकते हो। पीआर एक्टिविटी मतलब पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी बोला जाता है इसको, पब्लिक रिलेशन, पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, लोगों से ज्यादा रिलेशन बनाओ। फ्री सैंपल कैंपेन, अरेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन मतलब फ्री क्लास वगैरह देना या डेमो देके देखना, वो वॉशिंग मशीन वो आते हैं ना वॉशिंग पाउडर की एक एड आती है, कोई तो भी पिंक कलर का वॉशिंग पाउडर है ना, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वैनिश, वो कैसे कपड़े धो के दिखाता है, तो इसको बोला जाता है फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना। सेटिंग अप कॉम्पिटिशन विथ अट्रैक्टिव प्राइसेस, डिस्काउंट वगैरह लॉन्च करना, टेम्पररी प्राइस रिडक्शन करना, डोर टू डोर कॉलिंग या मार्केटिंग करना, टेलीफोन सेलिंग करना, पर्सनल लेटर्स ऑन अदर मेथड, लेटर तो आजकल कोई भेजता नहीं है, ईमेल वगैरह भेजे जाते हैं, तो इन सबको हम बोलते हैं कि हमारा सेल प्रमोशन का एक्टिविटी चल रहा है, कुछ भी करके सेल बढ़ाने का है अपने को। ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो मैंने कल ही बताया था लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, यूजुअली वन ईयर ऑब्जेक्टिव समटाइम नोन एज द एनुअल ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर एक साल में हमें क्या अचीव करना है इसका टारगेट सेट करना मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। दे ऑफन कोइंसाइड विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये मिलता जुलता होता है, जो लॉन्ग टर्म में अचीव करना है उसके लिए शॉर्ट टर्म में क्या करना है। दे यूजुअली इंडिकेट द स्पीड एट विच मैनेजमेंट वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोग्रेस, एक साल में बस इतना करना ही है हमको, ये हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे एक साल में कितना चीज बेचना है। स्टेक होल्डर मतलब क्या, जिसको किसी चीज से कोई लेना देना है वो स्टेक होल्डर। अब आप मेरे कोचिंग क्लास के स्टूडेंट हो तो आप एक स्टेक होल्डर हो, क्योंकि आपको लेना देना है कि यहाँ पे क्या चलता है, कब चलता है, क्या होता है, कब छुट्टी रहती है, बाकी जिसको कोई लेना देना नहीं वो स्टेक होल्डर नहीं है। तो अगर आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे तो आप उसके शेयर होल्डर हो, साथ में आपका स्टेक है, कुछ लेना देना है। आपने अगर कंपनी के डिबेंचर सब्सक्राइब किए तो आप कंपनी के स्टेक होल्डर हो, अगर आप कंपनी के कस्टमर हो तो स्टेक होल्डर हो, अगर आप कंपनी के डेटर क्रेडिटर हो तो स्टेक होल्डर हो, अगर आपने कंपनी को डिपॉजिट दिया है तो आप कंपनी के स्टेक होल्डर हो, और जिसको कोई लेना देना नहीं है वो स्टेक होल्डर नहीं। अगर आप कंपनी की बैंक हो जो कंपनी को लोन देती है, कंपनी से पैसा लेती है, तो भी आप एक कंपनी के स्टेक होल्डर बन गए, क्योंकि आपका कुछ लेना देना है। अ पर्सन ग्रुप और बिजनेस दैट हैज अ इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ अ फर्म्स ऑपरेशन, किसी एक बिजनेस का क्या आउटकम है, कितना सेल करते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है मतलब आपका कुछ लेना देना है तो आप उसके स्टेक होल्डर बन गए, मतलब कुछ ना कुछ आपका लगा हुआ है उस कंपनी के साथ। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
स्ट्रेंथ क्या होती है रे? हर किसी की एक स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होता है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्किल, आपके रिसोर्स, आपके पास क्या है? जैसे आप पढ़ने में होशियार होते हैं, ये आपकी स्किल हो गई। रिसोर्स मतलब आपके पास किताबें, बुक्स है, पैसा है, आपके पापा ने आपको स्टडी रूम बना के दी है, आपके पास पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और अदर एडवांटेज दैट अ फर्म हैज अ रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिटर दैट इज इंपॉर्टेंट टू सर्विंग द नीड्स ऑफ अ कस्टमर इन इट्स मार्केट प्लेस। तो मार्केटिंग के केस में हमारे कॉम्पिटिटर के तुलना में हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है, उनसे हम किस चीज में बेहतर है, ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई। जैसे कोचिंग क्लास में मैं बोलूं तो मेरा नॉलेज, मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका और मेरी टेक्नोलॉजी पे कमांड, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे बाकी कॉम्पिटिटर के तुलना में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा अच्छा है, मेरा डिलीवरी और कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका ज्यादा अच्छा है, मेरी स्किल ज्यादा अच्छी है, और मेरी जो टेक्नोलॉजी है जो मैं यूज करता हूँ वो दूसरों से बेहतर है, या तो उनके पास होती तो उनसे उनको यूज नहीं करना आता जितने तरीके से, अच्छे तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ बन जाती है मेरी स्ट्रेंथ। तो हर बिजनेस की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जो उनको दूसरों से, उनके कॉम्पिटिटर से बेहतर बनाता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है एज अ स्टूडेंट, कि बाकी स्टूडेंट से आपके पास क्या अच्छा है? अगर आप कैलकुलेटर दूसरों से बेहतर चला लेते हो, m प्लस m माइनस मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्किल है। अगर आपका स्टडी रूम बाकी लोगों से अच्छा है, वहां पे अच्छा एनवायरनमेंट है, आराम से आप पढ़ सकते हो, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, गाने टीवी का आवाज नहीं आता है, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी जिसका आपको एडवांटेज मिलता है। बिजनेस में हमारे कॉम्पिटिटर से हमारे पास क्या बेहतर है या उनसे हम कहाँ आगे है, वो बनती अपनी स्ट्रेंथ, और कहाँ हम उनसे पीछे है, ये बनता है अपना वीकनेस। तो एक था मास मार्केटिंग, एक है टारगेट मार्केटिंग। अगला कॉन्सेप्ट, रीचिंग आउट द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पे वर्ड यूज हुआ है कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ कुछ कंज्यूमर होते हैं जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे पबजी खेलने वाले लोग, ये सब में एक कॉमन होता है कि इनको हाई स्पीड मोबाइल चाहिए, एक अच्छा हेडफोन चाहिए, लॉन्ग बैटरी बैकअप चाहिए। फिर उनको ही टारगेट करो और उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करो, बाकी लोगों को वो चीजें दिखाओ ही मत। बुढ़े लोगों को कोई वन प्लस नहीं बेचता, काम ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है उनको गेम खेलने में। ये बात अलग है कि जब आपका और मेरा जनरेशन बुढ़ा होगा तो अपनी डिमांड्स अलग होंगी, हमारा बुढ़ापा वैसे नहीं बीतेगा जैसे हमारे पप्पा दादा का बीत रहा है। टेली मार्केटिंग, यूजिंग द टेलीफोन टू कॉन्टेक्ट द इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड एज टेली मार्केटिंग। आप सब इसके विक्टिम है, हम सब पे अत्याचार हुआ है, हम सबको फोन आते हैं, कुछ भी बोलते हैं लोग। टेस्ट मार्केटिंग मतलब क्या? मार्केटिंग ऑकर्स व्हेन न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड विद अ सैंपल ऑफ कस्टमर्स और लॉन्च इन अ रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिक एरिया टू जज द कस्टमर्स रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे जियो फाइबर बोल सकते हैं, नाम सुना जियो फाइबर का? जियो वाले एक जबरदस्त ऑप्टिक फाइबर केबल ला रहे हैं, केबल आएगी आपके घर पे, एक डब्बे में फिक्स होगी, फिर उस डब्बे से सब कुछ चलेगा, आपका टीवी चलेगा, चैनल चलेगा, इंटरनेट चलेगा, लैंडलाइन चलेगा, पंखे चलेंगे, सब ऑनलाइन, आप मोबाइल पे से पंखा चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, एवरीथिंग विल बी डिजिटल। आपकी दुकान में लगा लो, आप आपका माल अमेजोन जैसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बेच सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर आएंगे, ऑनलाइन पैसे आएंगे, डिलीवरी का पूरा डेटा आपके पास रहेगा, भयंकर काम करा। पर इन्होंने सब जगह लॉन्च नहीं किया, बॉम्बे जैसी सिटी में इन्होंने प्राइमरीली इसको लॉन्च किया। तो इसको बोलते टेस्ट मार्केटिंग, करके देखो लोगों को कैसा लगता है अपना चीज, फिर अगर वहां पे पसंद आ गया तो सब जगह लॉन्च करेंगे, नहीं तो वहां पे कुछ कमियां रह गई उसको दूर करेंगे, फिर दूसरे मार्केट में लॉन्च करेंगे। जैसे अपॉर्चुनिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वैसे वीकनेस होती है, वैसे आपको थ्रेड भी होती है, इसको सॉर्ड बोलते हैं। सॉर्ट में आता है एस फॉर स्ट्रेंथ, यहां पढ़ा था अपन ने, कहां गया था स्ट्रेंथ, ये रहा। SWOT, ये पढ़ोगे आप CA इंटरमीडिएट में, आपको है स्वॉट एनालिसिस। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, और T फॉर थ्रेट्स। तो
बिजनेस में आपको सब पता होने चाहिए, आपका स्ट्रेंथ पता होना चाहिए आपको, आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास पता होनी चाहिए, और किस चीज से आपको धोखा हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। थ्रेट क्या होते हैं? थ्रेट आर इन एनी रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच कॉज अ प्रॉब्लम्स एंड विच में प्रिवेंट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो भी चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो आपके लिए थ्रेट है। एग्जाम्पल, आप जिस बिजनेस में हो उस पर जीएसटी का बढ़ जाना आपके हाथ में नहीं है, पर इससे आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। चीजें महंगी होगी तो कस्टमर नहीं खरीदेंगे। बैन लग जाना उस पर, लॉकडाउन आ जाना, ये सब थ्रेट्स है, धोखे हैं, जो आपको आपके मकसद को पूरा करने से रोकते हैं। ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन व्हाट प्रेजेंट अ थ्रेट इज वन बिजनेस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी गौरव नहीं पाठ लो, ठीक है पाठ तो फोन कर दो। थ्रेट सर इन एनी रिस्पेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा, अच्छा ये हो गया। ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन व्हाट प्रेजेंट अ थ्रेट टू वन बिजनेस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू अदर बिजनेस। तो लोग बोला बोलते हैं ऐसे, एक चीज अगर किसी के लिए थ्रेट है तो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसी के लिए बोलते हैं हम थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। तो कोरोना अगर किसी के लिए थ्रेट का चांस था तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी बन गया। मैं एग्जांपल के तौर पे इसलिए देता हूँ क्योंकि आप देखते रहते हो मुझे, इसका मतलब ये नहीं मेरे को बढ़ाया मारनी है मेरी, वो मेरे लिए भी थ्रेट ही है, मेरा भी धंधा अफेक्ट हुआ है उससे। आई एम हैप्पी दैट आई कैन रीच मोर स्टूडेंट एंड पीपल कैन सी एंड कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द वडेरा सर एंड अदर्स। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी, इसको मेमोराइज करो, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम। अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज अ कस्टमर बेनिफिट दैट हैज नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम। तो आप बोलते हो कि हमारे प्रोडक्ट अगर खरीदोगे आप तो आपको यूएसपी मिलेगा, मतलब एक ऐसा बेनिफिट मिलेगा जो दूसरे किसी प्रोडक्ट में नहीं है। एग्जाम्पल, By our air condition, installation will be free. तो अगर आप एसी खरीदते हो तो इंस्टॉलेशन के पैसे देने पड़ते हैं। वाटर प्यूरिफायर खरीदते हो तो इंस्टॉलेशन की, तो कोई कंपनी बोलेगा कि हमारा यूएसपी है, हमारे एसी को खरीदो आपको इंस्टॉलेशन फोकट में कर देंगे, तो आपके 1000-1500 रुपए बच गए उसमें, वही बेनिफिट है। और आप बोल सकते हो और कोई नहीं देता, ये हम ही देते हैं, कहीं नहीं मिलेगा सर आपको हमारे सिवा। ऐसा जब आप सुनोगे तो वो उनका यूएसपी है। फिर आप बोलोगे कुछ भी बात करते क्या, सभी देते हैं। फिर बोले पता कर लो सर, कोई नहीं देता। वो शॉर्ट में वीकनेस आ गया। फिर लिमिटेशन और लैक ऑफ स्किल, तो आपके पास आपका स्किल है तो आपकी अपॉर्चुनिटी बन गई, आपका स्ट्रेंथ बन गया। और जो नहीं है आपके पास, जिस चीज को आपको कमी है, लिमिटेशन है, जैसे स्किल की कमी है, रिसोर्स की कमी है, कैपेबिलिटीज की कमी है, तो ये बन गया भाई आपका वीकनेस। और अगर है आपके पास दूसरों से बेहतर तो वो बन गया आपका स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के अपोजिट होता है वीकनेस। तो यहां हमने ढेर सारी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी को पढ़ा, कवर किया। एक बार सिर्फ नाम पढ़ लेते, क्या क्या पढ़ा अपन ने, लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें हमने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, एडवर्टाइजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, एजेंट, बैरियर टू ट्रेड, बैरियर टू एंट्री एग्जिट, बेंचमार्किंग, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड, बिजनेस मॉडल, बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बाइंग बिहेवियर, कैश डिस्काउंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव पोजिशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सोर्टियम, कंज्यूमर मार्केट, कॉर्पोरेट कल्चर, क्रॉस सेलिंग, कस्टमर डिमांड, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर नीड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर वांट, डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डाइवर्सिफाई, ई कॉमर्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फॉरकास्टिंग, इनोवेटर्स, इंटरनल मार्केटिंग, जॉइंट वेंचर, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट एंट्री, मार्केट लीडर, मार्केट
पोजिशनिंग, मार्केट रिसर्च, मार्केट सेगमेंट, मार्केट शेयर, मार्केट टारगेटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग प्लान, मास मार्केटिंग, मर्जर, मिशन, नीच मार्केटिंग, अपॉर्चुनिटी, पर्सनल सेलिंग, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर स्ट्रेंथ, टारगेट मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, टेस्ट मार्केटिंग, थ्रीट, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, वीकनेस, एक्सेप्टेंस। और बाबा अभी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इतनी टर्मिनोलॉजी पड़े, अरे बाप रे। तो ऐसा हो गया कि वो जो वेटर बोलता ना, वड़ा पाव, इडली वड़ा, डोसा, सांबार, वैसे कुछ तो भी ढेर सारी चीजें हमने पढ़ ली बाबा। चलो, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी भले आगे ज्यादा काम में ना आए, पर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये चीजें सीए से जुड़ी हुई है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। एक सीए को लगभग और लगभग 100% हर चीज जो बैंक्स के बिजनेस और बैंक के ट्रांजैक्शंस में यूज होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। इससे आप बच नहीं सकते। इट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली एज अ मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी। एक्सेप्टेंस क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा ना अपन। एक्सेप्टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज बैंकर का एक्सेप्टेंस इज साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेज दैट इंडिकेट्स द अप्रूवल ऑफ अ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल्स एंड कंडीशन ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंकर। इट इज वेरी वाइड टर्म एंड यूज इन कंटेक्स्ट विद फाइनेंशियल एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो ना, बिल एक जन ड्रॉ करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है कि मैं पे करूंगा, तो पे वो थोड़ी करता है, उसकी बैंक करती है। तो भाई जब हम ऑन बिहाफ ऑफ बैंकर कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब मेरा बैंक देगा, तो बैंक भी तो एक पार्टी है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो बैंकर के बिहाफ में किसी एग्रीमेंट को या टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। कभी कभी बैंक को भी पैसे की जरूरत होती है ना, तो एक बैंक भी दूसरे बैंक पे बिल ड्रॉ करता है, एक बैंक ड्रॉ करता है, दूसरा बैंक एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टिंग हाउस क्या होता है? एन एक्सेप्ट टिंग हाउस इज अ बैंकिंग और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेशलाइज इन अ सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड गारंटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, किसी और ने एक्सेप्ट किया, तो उसके बैंक को पता होना चाहिए। तो बैंक में एक स्पेशल डिवीजन होता है जो इस चीज की नोट लगता है कि मेरे किस कस्टमर ने बिल का एक्सेप्टेंस किया है, तो उसके ड्यू डेट पे मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो लोग पहले से ही उसकी व्यवस्था करके रखते हैं। तो मैं था इस एक्सेप्टिंग हाउस के डिपार्टमेंट में काम करता था, तो मेरे कस्टमर जब भी डिपॉजिट सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करते थे ना, मुझे जरूर बताते थे कि हमने ये बिल एक्सेप्ट किया, इस तारीख को आएगा। तो हम केयर लेते थे कि ये बिल डिसऑनर नहीं होना चाहिए। तो पहले ही उनके अकाउंट में पैसे उतने जमा करवा लेते थे या उनसे उतना मॉर्गेज ले लेते थे, ताकि अगर वो बिल ड्यू डेट पे एक्सेप्टेंस के क्लियरेंस के लिए आए तो बिल डिसऑनर होना नहीं चाहिए। तो हम बैठते थे जहां पे उसको एक्सेप्टेंस हाउस बोला जाता था, वहां के लोगों का वही काम था, बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रॉपरली ड्यू डेट पे ऑनर करवा देना। कुछ भी हो जाए, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे कस्टमर को फैसिलिटी मत दो बिल एक्सेप्ट करने की जिसका बिल डिसऑनर हो सके। दिस ऑर्गेनाइजेशन ए डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इनटू टू प्रोमिनेंट फंक्शन दैट फैसिलिटिंग द डिफरेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर सीपी एंड मर्चेंट बैंकिंग। आमतौर पे मर्चेंट बैंकिंग मतलब क्या होता है, पढ़ेंगे अपन आगे, एक टर्मिनोलॉजी आएगी। इसमें आप बोल सकते हो एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स। तो एक बिल को दूसरे को एंडोर्स करने की पूरा मैकेनिज्म ये लोग डेवलप करते हैं। अकाउंट बैलेंस क्या रहता है? तो बैंक में जाओ, आप आपका अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, डिपॉजिट भी हो सकता है। अलॉन्ग विद द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, नेट अमाउंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ अकाउंट बैलेंस। तो नेट अमाउंट जो है डेबिट माइनस क्रेडिट, उसको क्या बोलेंगे अपन? अकाउंट बैलेंस। अक्रूड इंटरेस्ट
मतलब डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है पर बैंक ने दिया नहीं, या लोन पे जो बिजनेस अक्रू हुआ है पर बैंक को मिला नहीं, ये तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, इकोनॉमिक्स में से अच्छा अकाउंट वाले समझते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड ऑन अ इन्वेस्टमेंट बट नॉट एड पेड। ऑफन अक्रूड इंटरेस्ट इज ऑल्सो टर्म एज इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन। सम बैंकिंग बुक्स प्रीफर टू कॉल इट एज अ इंटरेस्ट दैट इज अर्न बट नॉट एड पेड। तो बैंक ने इंटरेस्ट अर्न तो किया है पर अभी तक मिला नहीं, या अक्रू हुआ है पर ड्यू हुआ है पर अभी तक पे नहीं किया, तो बैंक अगर लोगों से डिपॉजिट लेता है तो लोगों को इंटरेस्ट देता है, तो अक्रूड इंटरेस्ट की डबल एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल। और बैंक ने अगर लोगों को लोन दिया है तो बैंक लोगों से इंटरेस्ट लेगा तो उसकी इनकम हो गई, तो एंट्री क्या पास करेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, दोनों ही केस में अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटेड रेट, रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे देश में फ्री है, जिस बैंक को बढ़ाने बढ़ा सकता है, जिस बैंक को घटाने घटा सकता है, मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है उसके हिसाब से काम करो। आप अगर 10% पे लोन दे रहे हो, दूसरा बैंक 8% पे दे रहा है, तो कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, वो 8 वाले के पास जाएगा। और अगर डिपॉजिट पे आप 10 दे रहे हो, दूसरा बैंक 12 दे रहा है, तो आपके पास कोई पैसा जमा नहीं कराएगा 10 में, वो 12 के पास जाएगा। तो हमारे देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मार्केट में हर चीज के दाम फ्रीली तय किए जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्रीली तय किए जाते हैं। कुछ केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। सरकार बोलती है कि जैसे किसानों को दिया हुआ लोन, भले मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है, पर किसानों को आप सिर्फ 5% से दो, तो जहां रिस्ट्रिक्शन आते हैं और मॉडरेशन आता है कि इतना ही करना है, उसको कंट्रोल किया जाता है, तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड रेट। यहां पे थोड़ा वर्ड अलग लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटेड रेट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी चार्ज कॉन्ट्रेक्चुअली बाय द लेंडर। पैसे देने वाले ने बोल दिया मार्केट में कुछ भी हो रेट, मैं ये रेट से चार्ज करूंगा। तो हम दोनों को अगर मार्केट में 10% चल रहा है और मैं आपको लोन दे रहा हूं कि 15% लूंगा, तो मैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करूंगा, मेरे कंट्रोल में, तो वो बन गया मेरा एडमिनिस्ट्रेटेड रेट। तो दो रेट होते हैं, एक होता है फ्री मार्केट रेट और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटेड रेट। तो सर आपको अगर 1,00,000 रुपया कर्जा चाहिए मेरे से, तो मैं दो रेट आपको बता सकता हूँ। देखो भाई, या तो मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको लोन दूंगा 1,00,000 रुपया जो भी मार्केट रेट रहेगा उससे, तो मार्केट में 10% चल रहा है तो 10 से दूंगा, नहीं तो बोलूंगा मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा बट एडमिनिस्ट्रेटेड रेट से, इसका मतलब है रेट मैं तय करूंगा, पट्टा है तो लो, नहीं पट्टा तो मत लो। इन सम केसेस दिस रेट कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय द डिपॉजिटर एंड ऑल्सो द पे। अगर मैं आपसे पैसे ले रहा हूं तो आपको कितना इंटरेस्ट दूंगा, ये अगर मैं तय करूंगा तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटेड, मेरे हाथ में है। जनरली एडमिनिस्ट्रेटेड रेट वो होते हैं हमारे देश में जो जिसको सरकार या गवर्नमेंट या आरबीआई तय करती है। द लॉज एंड प्रोविजंस दैट मॉनिटर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड रेट डिफर इन ईच जुरिडिक्शन। अलग अलग देशों में अलग अलग रेट को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, इसके अलग अलग कायदे हैं, अलग अलग कानून है, अलग अलग सिस्टम है। भारत में आरबीआई रेट को एडमिनिस्ट्रेट करता है, पर ज्यादातर वो करते नहीं है, वो छोड़ देते हैं मार्केट पे, एडीआर। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों ने सेबी पढ़ा, लिस्टिंग पढ़ा, तो अगर आप एक कंपनी हो भारत की और आपको अगर शेयर इशू करने हैं, तो आप प्राइमरी मार्केट में कर सकते हो, और लिस्टिंग करानी है तो एसबीआई में सेबी में कर सकते हो, और स्टॉक मार्केट के लिए आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो मान के चलो आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और आपको लगता है कि भारत से इतना पैसा आपको मिलेगा नहीं, तो आप आपके शेयर ना यूएसए में भी बेचना चाहते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बराबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे भारत में सेबी है, वैसे वहां का जो रेगुलेटर है यूएसए का, उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि सर मैं इंडिया की एक कंपनी हूं, मान के चलो मैं इंडिया का रिलायंस हूं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं शेयर इशू करना चाहता हूं, शेयर होल्डर बनाना चाहता हूं, पर अमेरिका के लोगों को, आपके देश के लोगों को।
और मैं चाहता हूं कि वो लोग मेरे शेयर खरीदे और मुझे डॉलर्स दे। फिर उन्होंने पूछा डॉलर का करना क्या है, तो बोले हमको अमेरिका में बिजनेस एक्सपांड करना है, एक फैक्ट्री यहाँ पे लगानी है, तो हमें डॉलर की जरूरत है। तो मैं रुपए से डॉलर नहीं खरीदना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यहीं पे शेयर इशू करूँ यूएसए में, यहीं के लोग मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए और मुझे डॉलर में ही पैसा मिले और मैं यूएसए में उसको यूज करूँ। तो वहां के रेगुलेटर ने बोला ठीक है कर दो यहाँ पे शेयर इशू। तो वहां पे जो शेयर इशू करते हैं उस प्रोसेस को एडीआर बोला जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो आपके हाथ में जो पैसा आया ना, मान के चलो आपको $2,00,000 मिले, तो आप बोलोगे हमें $2,00,000 का एडीआर मिला है। कैसे मिला $2,00,000 का एडीआर? तो हमने हमारे भारत की कंपनी के शेयर को कहां इशू किया? यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक एक्सचेंज में इशू किया। भारत में अगर एक शेयर मेरा 80 रुपीज का था तो मैंने यूएसए में उसको $1 में इशू किया। तो मुझे जो रिसीप्ट हुई पैसा हुआ, उस पैसे को मैं नाम दूंगा एडीआर। तो कोई पूछेगा $2,00,000 आए कहां से, तो बोले एडीआर है मेरा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, $2,00,000 कैश अकाउंट को डेबिट या बैंक अकाउंट को डेबिट, क्योंकि मेरे फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में वो जमा हो जाएंगे, टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट। अब शेयर कैपिटल मेरा इंडिया का है तो इंडियन रुपीज में दिखेगा, तो कन्वर्ट करा लूंगा मैं, 2 करोड़ 2 लाख × 100 मान लो, 2 करोड़ रुपए डेबिट और शेयर कैपिटल को 2 करोड़ रुपए क्रेडिट। तो एडीआर इशू कैसे किए जाते हैं, इसकी लॉन्ग प्रोसीजर है। जैसे भारत में सेबी के माध्यम से शेयर इशू किए जाते हैं, वैसे अगर किसी बाहर देश के इंसान को यूएस के स्टॉक मार्केट में शेयर इशू करना है तो उसको एडीआर बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऑल्सो नोन एज एडीआर, इज अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच आर इक्वल टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी that have been issued in a foreign country. American deposit receipts are traded only in the United States of America. तो क्या है रे? Shares issued, मैं अच्छे से लिखता हूं, शेयर इशूड इन अ फॉरेन कंपनी नहीं होना चाहिए, बाय अ फॉरेन कंपनी इन यूएसए। फॉरेन की कंपनी अगर यूएसए में शेयर इशू करे, विच ओनली ट्रेडेड इन यूनाइटेड स्टेट, तो यूएसए में इशू किए हुए एडीआर को एक यूएस का आदमी खरीद सकता है, बेच सकता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर इंडियन खरीद सकता है, इंडियन बेच सकता है, इंडियन से खरीदा जा सकता है, इंडियन को बेचा जा सकता, फॉरेनर भी खरीद सकते और इंडियन को बेच सकते, पर एडीआर का ऐसा नहीं है। एडीआर सिर्फ अमेरिका के मार्केट में ट्रेड करने का जिसको परमिशन है वही व्यक्ति खरीद सकता है और वही व्यक्ति बेच सकता है। आपने अगर शेयर इशू कर दिए यूएस में तो वहां जिसने खरीदे वो सिर्फ यूएस के मार्केट में ही बेच सकता है उसको। तो दिस इज स्ट्रिक्टली एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो बहुत सारी भारत की कंपनी ने एडीआर इशू किया है, आप चाहो तो इसको गूगल कर सकते हो। जब मैं मेरी आर्टिकलशिप कर रहा था तो मैं यह गूगल करता हूं, इंडियन कंपनीज विच इशूड एडीआर, तो ये देखो ये भारत की 11 कंपनी है जिन्होंने एडीआर इशू किए, गूगल में सब मिल जाता आपको। टॉप 11 इंडियन एडीआर्स फॉर यूएस इन्वेस्टर्स, यूएस के लोगों ने इन्वेस्ट किया। विप्रो एक ऐसी भारत की कंपनी है जिसने एडीआर इशू किया, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में अपने शेयर बेचे हैं लोगों को। वेदांता लिमिटेड, इसका ऑडिट मैंने खुद किया 3 साल तक, इसलिए मुझे एडीआर के बारे में पहले पता चला। WNS होल्डिंग लिमिटेड, इन्होंने अपने एडीआर यूएस में इशू किए। HDFC बैंक लिमिटेड, आप मेरा प्रोफाइल देखो, मैंने इसका ऑडिट किया, वो भी यूएस की रिपोर्टिंग के लिए, आपको भी करने का मौका मिलेगा, सीए इंटर पास हो जाओ। मेक माई ट्रिप ने एडीआर इशू किए, यूएस में लिस्टेड है। सीफी टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, Rediff.com इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक, यहां तो मैं जॉब करता था। इंफोसिस लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ओवर द काउंटर एक इंडियन कंपनी है, इन्होंने एडीआर इशू किए। तो ये सारे टॉप कुछ 11 कंपनी है जिन्होंने इंडिया में भी शेयर इशू किया है और यूएस में भी शेयर इशू किया। तो हम जब इंडिया की कंपनी यूएस में शेयर इशू करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं क्या बेटा, एडीआर। सिमिलर मैकेनिज्म एग्जिस्ट फॉर
अदर कंट्रीज ऑल्सो, आप यूएस यूके में भी शेयर इशू कर सकते हो, उसके लिए अलग सिस्टम है। एन्यूटीज क्या होता है? अब एन्यूटी मतलब क्या है? रेगुलर इंटरवल के बाद पैसा रिसीव करना या पे करना। एन्यूटीज आर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गारंटी इनकम और रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ अ ह्यूज सम ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिटेड आइदर टू सम टाइम इट इज पेड फॉर द हेल्प ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ एन्यूटी इंक्लूड डेफर्ड फिक्स इमीडिएट और वेरिएबल वेरिएंट। कुछ नहीं है, एक पैसा दे दो बैंक को, 1,00,000 रुपए दे दो, बैंक आपको हर साल 10,000 रुपए इंटरेस्ट देगी, एन्यूटी हो गया। तो एक बड़ी अमाउंट दे दो, उसके बदले में छोटी छोटी अमाउंट रेगुलरली रिसीव करो, दैट इज वॉट यू कॉल्ड एज एन्यूटी। ये डेफर्ड एन्यूटी भी हो सकती है, डेफर्ड मतलब पैसा आज भरो, 3 साल कुछ नहीं मिलेगा, 4th साल से मिलना चालू होगा, फिक्स अमाउंट रहेगी। इमीडिएट आज पैसा डालो, आज से एन्यूटी लेना रिसीव करो। वेरिएबल एन्यूटी भी हो सकती है, एन्यूटी कभी वेरिएबल नहीं होती कि 1 साल 10,000 1 साल 12,000, पर बैंकिंग में चलता, वो मैथमेटिक्स थोड़ी जानते हैं। और भी कॉन्सेप्ट है, कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।